आपको महान बनने की जरूरत नहीं है शुरुआत करने के लिए, आपको शुरुआत करने की जरूरत है महान बनने के लिए। नमस्कार, मैं कुंदन कुमार रॉय, मोटिवेशनल स्पीकर आर्टिस्ट, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ इस विशालतम श्रृंखला में, एक महानतम श्रृंखला में, जो हर नौजवान को, युवाओं को बेरोजगारी से बेरोजगारी की तरफ लेकर के जाएगी, जिंदगी जीने का एक नया फलसफा सिखाएगी। और इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिला प्रशासन समस्तीपुर का, माननीय जिला अधिकारी श्री योगेंद्र सिंह सर का, जिला कल्याण पदाधिकारी सर का, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सर का, अमरदीप जी का, जिन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी श्रृंखला ये शुरू की है। और मुझे उम्मीद है कि आज जो ये सेशन है मिथिला पेंटिंग का, जीवन और आजीविका में क्या महत्व है, उस पर मैं बातें करूंगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नए नए पहलू कैसे मिथिला पेंटिंग के भी आपके सामने आएंगे, कैसे इसमें कैरियर हम ढूंढ सकते हैं वो हम देखेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला उद्योग केंद्र समस्तीपुर का, MSME का, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नाबार्ड का, नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का, और आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे उत्तरदायित्व दिया और मैंने हमेशा उस पर खड़े उतरने की कोशिश की। और हजारों बच्चों, महिलाओं, युवाओं को मैंने मोटिवेट किया है और आज आपके बीच में आ रहा हूँ, बड़े सौभाग्य की बात है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ जो लोग भी चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ और जो लोग भी यह कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। मिथिला पेंटिंग का जीवन में क्या महत्व हो सकता है, हम गाहे बगाहे जब स्टेशन से गुजरते हैं या किसी ट्रेन को देखते हैं या आप पटना में जाएंगे तो रास्तों में मिथिला पेंटिंग्स दिखाई देती हैं और बड़ी खूबसूरत वो पेंटिंग होती है। आप देखेंगे तो आप मिसमराइज्ड हो जाते हैं कि इतनी सुंदर कलाकारी, इतना अच्छा कलाकार कौन है जिसने मधु के बन को जमीन पे उतार दिया है, हर जगह उतार दिया। इसीलिए इसको मधुबनी आर्ट्स भी कहा जाता है मिथिला पेंटिंग को, कि वो मधु के वन जैसा प्रतीत होता है और जीवन भी हमारा मधु के वन जैसा होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, इतना प्यारा कि जो कोई भी हमारी जिंदगी को देखे, हमारी मुस्कान को देखे, हमारे क्रियाकलापों को देखे तो वो मंत्रमुग्ध हो जाए, जैसे हम मधुबनी पेंटिंग्स को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग के जो कलाकार होते हैं, मैं जीवन में क्या इसका इफेक्ट आएगा वो मैं बताऊंगा कि अगर आप मधुबनी पेंटिंग करना शुरू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो है ना, आपका नेचर सबसे पहले तो आर्टिस्टिक नेचर हो जाएगा। और आर्टिस्टिक नेचर जो है वो कभी किसी को, कोई भी आर्टिस्ट कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता है। और दुनिया में यही तो है, आजकल लोग दूसरे से इतना जलते हैं, दूसरे को इतना परेशान करके रखा है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप इतने पोलाइट हो कि हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, दूसरे को मोटिवेट भी करें। तो ये सिखलाती है मिथिला पेंटिंग कि आपका नेचर जो है वो एक आर्टिस्ट के जैसा, एक पोलाइट, एक महान, एक खूबसूरत जीवन आपका हो जाता है और क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। आप जैसे हम लोग हैं, हम लोग सपने देख रहे हैं और उसमें भी मिथिला पेंटिंग नजर आती है, अगले दिन उसको उकेर लेना, किसी से बातें किया, किसी का दुख, किसी का दर्द, किसी की महानता, किसी की तकलीफ, कुछ भी हमें दिखाई देता है तो वो हम तस्वीरों में जरूर उकेरते हैं। और शायद यही वजह है कि मैंने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं वो सारी पेंटिंग इंटरनेशनली वायरल हो जाती हैं, लोगों के जहन में बस जाती है, कभी किसी सरकारी कार्यक्रम का आइकॉन बन जाती है तो कभी किसी प्रोग्राम में वो बैनर और पोस्टर पे दिखाई देती हैं और हर घर, हर सरकारी दफ्तर में और हर जगह जब गिफ्ट देने की बात होती है तो मुझसे मेरी मिथिला पेंटिंग की डिमांड होनी अनिवार्य बात है। तो इस तरह हमने देखा कि कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है क्योंकि पेंटिंग करना बहुत ही हार्ड काम है। कोई भी आदमी अगर किसी को देख के या ऐसे पेंटिंग नहीं बना सकता है, उसके लिए आपको बेहद कंसंट्रेशन की ज़रूरत है क्योंकि एक एक पॉइंट से एक एक पेंटिंग बनती है और एक एक पॉइंट, एक एक हाथ आपका सदा हुआ होना चाहिए, आपका दिमाग एकदम काम, एकदम कूल होना चाहिए। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इंसान भी प्रखर बनता चला जाता है। तो ये फायदे हैं मिथिला पेंटिंग को अगर हम अपनाते हैं तो, कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है।
अब आप कॉन्सेंट्रेट भी हो गए हैं, कूल हो गए हैं, काम हो गए हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोच रहे, सबके बारे में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सोच रहे हैं। तो ये एक मेडिटेशन की तरह काम करता है कि हम जब पेंटिंग करते हैं तो हम एकदम खो से जाते हैं, दीन दुनिया बाहर का कोई खबर नहीं रहता है, खाना पीना सब भूल जाते हैं, और ये एक मेडिटेशन की तरह आपके शरीर को प्लीजेंट हार्मोन्स जो होते हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं, वो सेक्रेट होने लगते हैं, और आपके लिए मेडिटेशन का काम भी करता है मिथिला पेंटिंग। अपार्ट फ्रॉम डैट मैंने कहा कि माइंड कूल हो गया है। अच्छा, अभी मोबाइल की दुनिया है, आप घर में भी देखिए हर कोई अपने अपने मोबाइल में खोया सा है, ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोनलीनेस फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं। अब ऐसे में उनका साथी कौन होगा जो उनके दुख दर्द को समझेगा? तो ऐसे में अगर आप मिथिला पेंटिंग से जुड़ते हैं या किसी भी आर्ट से जुड़ते हैं तो आपको लोनलीनेस कभी फील नहीं होगा, क्योंकि आपका साथी आपके साथ ही होगा। छाया की तरह ये हमारे साथ चलता है, और ये पेंटिंग्स जो है वो हमारे अपने रिश्तेदार अपने, मुझे तो लगता है हम लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम लोग मिथिला पेंटिंग से। तो ये मिथिला पेंटिंग जो है हमारे जीवन में कामनेस फूलनेस लोनलीनेस को हटा देता है, और मैनेजमेंट स्किल भी सिखाता है, क्योंकि तस्वीरें कभी एक बार नहीं बनती है, तस्वीरें एक बार हमारे माइंड में बनती है, और माइंड में बनने के बाद जो है वो पेपर के ऊपर बनती है, तो हमें वो भी दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे हमने सोचा है, कहाँ से बॉर्डर छोड़ेंगे, कहाँ से पेंटिंग बनाएंगे, ये पेंटिंग का जो पेपर है उसका साइज क्या है, और इस तरह से। तो वो मैनेजमेंट स्किल भी हमारा जो है वो डेवलप होने लगता है, कंट्रोल होने लगते हैं इमोशन, क्योंकि अभी जैसे हम लोग ने करियर शुरुआत किया था तो हमारे करीबी से करीबी रिश्तेदार हम पे हंसा करते थे कि कहाँ तक जाएगा मिथिला पेंटिंग करते हुए, और वो इमोशन बांटने वाला कोई नहीं था, वो अकेलेपन में ही आप आंसू बहा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं इमोशन को तस्वीरों के द्वारा, और मैंने यही किया। मुझे जो भी तकलीफ हुई, जो भी खुशी हुई, जो मैं समाज में चाहता था, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो एजुकेशन का सिस्टम हो, चाहे बेरोजगारी हो, मैंने उन्हीं सब पे तस्वीरें बनाई, यानी कंट्रोल किया इमोशन और एक्सप्रेस किया इमोशंस को। तो ये चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको किसी आर्ट से जुड़ने से, या मैं तो कहूँगा चूंकि मैं मिथिला पेंटिंग का आर्टिस्ट हूँ तो मैं तो चाहूँगा कि आप सभी मिथिला पेंटिंग करना शुरू कर दीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, कोई क्या कह रहा है लेट देम से व्हाट दे से, और आप आगे बढ़ते रहिए, डोंट स्टे। तो इस तरह से हमने देखा कि जिंदगी पूरी तरह से बदलने लगती है अगर हम मिथिला पेंटिंग से जुड़ जाते हैं। मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा कि मैं समस्तीपुर से हूँ और मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मैं कई रंगों को देख नहीं पाता हूँ, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर था, और मेरी माँ मेरी पहली गुरु थी, और आज मेरा बड़ा भाई, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी वाइफ, मेरे परिवार, मेरे चाहने वाले सब मुझे यहाँ तक लेकर के आए हैं, लेकिन एक समय था जब मेरे पास कोई नहीं था, क्योंकि जब भी मैं पेंटिंग करता था वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत खराब हुआ करता था, मुझे दिखाई नहीं देता था। आखिर जहाँ भी मैं पढ़ने के लिए गया, मैं चाहता था कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूं, लेकिन जहाँ भी मैं पढ़ने के लिए गया या जहाँ सीखने के लिए गया, विद इन 2 or 3 days लोग समझ जाते थे कि मुझे कलर विजन में कोई प्रॉब्लम है, और वो मुझे कहते थे कि आप इस फील्ड में आगे मत बढ़िए, क्योंकि नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, आप कहाँ तक इसमें आगे बढ़िएगा, एक दिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाइएगा और आपको ये प्रोफेशन भी छोड़ना होगा और आपके ज़िंदगी में कुछ नहीं रहेगा, खालीपन आ जाएगा। लोगों की बातों में आकर के मैंने इसको छोड़ भी दिया था, लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जाते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते, तो अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको कुछ करने के लिए उकसाते हैं। ये पेंटिंग मैंने छोड़ दी थी, आगे फर्दर एजुकेशन के लिए मैं MBA करने के लिए नागपुर गया, और मेरी ज़िंदगी में एक स्पार्क आया, मेरी HOD थी गीता नायडू मैम, और उन्होंने मुझे एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए कंपेल किया कि तुम्हें जाना है। मैं डर गया और मैंने मेरी बहन से कहा कि मैं बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता था, तो उनको मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा था, और मैं किसी को बता भी नहीं सकता था क्योंकि लोग हंसा करते थे, मैंने कोई कंपटीशन कभी नहीं जीता था कि जब मुझे कलर दिखते ही नहीं है तो मैं पेंटिंग करने जाता कैसे हूँ। तो गीता नायडू मैम ने मुझे कहा, और मैंने मेरी बहन से कहा कि मुझे एक लेटर लिख के दो, मैं चाहता हूँ कि मैं
कॉलेज ही नहीं जाऊं उस दिन। तो उसने कहा कि जिंदगी में जब तक तुम भागते रहोगे तब तक तुम्हारा पीछा होता रहेगा, जिस दिन तुम खड़े हो जाओगे शायद जिंदगी में उस दिन के बाद से तुम्हारा पीछा करने वाले लोग रुक जाएंगे और जिस डर से तुम भाग रहे हो वो डर भी तुमसे पीछे हो जाएगा। उसने पेंटिंग के डब्बों पे नाम लिख दिया, कैप के ऊपर नाम लिखा, एक पेंटिंग मैंने घर पे बनाई उसको याद किया और मैं जब गया तो सरप्राइजिंगली मैंने जो पेंटिंग बनाई मैं फर्स्ट रनर अप रहा उस पेंटिंग कॉम्पिटिशन का। एंड देन आई रियलाइज कि मैंने जो चीज़ें छोड़ दी थी लोगों को कहने से वही चीज़ों ने मुझे आज एक नई पहचान दी। उसके बाद मैंने पेंटिंग करना शुरू किया और आज मुझे भारत श्री अवार्ड मिला है, मुझे यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया मिला है, ऑनरेबल एक्सीएम जीतन मांझी सर के द्वारा बिहार गौरव अवार्ड मिला, मुझे कला मंत्री सर के द्वारा प्राइड ऑफ बिहार अवार्ड मिला है और 2020 में मेरी एक पेंटिंग थी जो मैं हमेशा अवेयरनेस पे पेंटिंग बनाता हूँ तो वोटिंग अवेयरनेस पे बनी पेंटिंग के लिए मुझे इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से 11वें मतदाता दिवस पर स्टेट लेवल अवार्ड ऑनरेबल मुख्य सचिव दीपक कुमार सर के द्वारा मिला। तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो लोगों के कहने से मैंने छोड़ दिया था। आज जब मेरी पेंटिंग अमेरिका जाती है, नीदरलैंड जाती है, लंदन जाती है, इंग्लैंड जाती है और कई जगह से मुझे कॉल आते हैं, लोग मुझे पेंटिंग से ही जानते हैं। एक बार अगर गूगल पे डालेंगे हुई कुंदन कुमार रॉय तो वो दिखाना शुरू कर देता है कि हुई कुंदन कुमार रॉय और कैसी है उनकी पेंटिंग्स। कई सारे आर्टिकल्स आपके आपको मेरे ऊपर दिखाई देंगे। तो इस तरह एक ऐसा कैरियर मैंने ऑप्ट किया जो मोटिवेशनल वाला था जिसका कोई स्कोप समस्तीपुर में नहीं था, मिथिला पेंटिंग का था जिसका कोई स्कोप मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अगर आप किसी भी प्रोफेशन में एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं तो आप जहां कदम रखेंगे वहां से पानी निकालेंगे, वहां से सोना निकालेंगे, वहां से पैसा निकालेंगे, वहां से कैरियर निकालेंगे। और यही चीजें मेरे समझ में आ गई थी। लोगों को मोटिवेट करता हुआ आज मैं बड़े बड़े सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूँ। हजारों महिलाएं, हजारों युवा, हजारों बच्चों का मैं आइडियल बन चुका हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, मैंने जब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किया था तो जितने बच्चों को मैंने मोटिवेट किया था, मैं किसी भी गली में गुजर जाऊँ तो कोई ना कोई बच्चा मुझे प्रणाम करने के लिए आ ही जाता है, सर आपने हमें मोटिवेट किया था और हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुकून मिलता है जब मैं इन गलियों से गुजरता हूँ, जब मैं इसे लोगों से मिलता हूँ जिनको मैंने मोटिवेट किया था। और जो लोग कहते थे कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा कभी, वो लोग आज देख रहे हैं कि मैं अकेला सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ, मेरे साथ ये बच्चे, ये महिलाएं, ये यूथ, ये पूरी दुनिया सक्सेस का मजा चख रही है और मैं बेहद खुश हूँ। मैं यही चाहता था जिंदगी में कि मैं मेरी वजह से सिर्फ अकेला कामयाब ना हूँ, मेरी वजह से हजारों लाखों लोग कामयाब हों। और इस तरह का प्लेटफॉर्म, इस तरह की जो लाइव प्रोग्राम, लाइव सेशन मुझे माननीय जिला अधिकारी सर की तरफ से दिया गया, इसके लिए मैं अगेन 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 आभारी रहूंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कहाँ कैरियर बनाएंगे, कहाँ हम दूसरों को देखते हैं, कभी अपना दिल और दिमाग क्या कहता है वो नहीं सोचते हैं, लेकिन जब हम दिल और दिमाग से काम करते हैं तो हम जो है वो बेहतर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जेफ बेजोस जी के बारे में सुने हैं कि वो जो इतना काम करते हैं, उनका बर्थडे आता है, जब हमारा बर्थडे आता है हम क्या करते हैं, हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लाखों हजारों रुपए खर्च करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं और जितना खर्च करते हैं वो हमारा स्टेटस सिंबल हो जाता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उनका बर्थडे आया तो उन्होंने 24 घंटे काम किया। सुधा कृष्णमूर्ति जी से जब उनके बच्चे ने कहा कि मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो उन्होंने कहा कितने पैसे की जरूरत होगी, तो उसने कहा 50,000 रुपये लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर 20,000 रुपये हम ड्राइवर को दे देंगे तो उनके बच्चे अच्छा एजुकेशन कर लेंगे, अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, क्यों ना हम भी ऐसी ही शिक्षा दे लेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही रखेंगे, जो बचता है वो किसी और को दे देंगे, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो खुशियाँ हो या ज़िंदगी में कुछ यादगार पल हो। हमेशा दूसरों की खुशियों को अगर आप देखते हैं, दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं तो आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं होता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि अपनी सफलताओं का जश्न तो हर इंसान मनाता है, लेकिन जो दूसरों की सफलताओं में भी जश्न मनाता है वही सफल इंसान कहलाता है। तो आइए सफलता के नए कीर्तिमान गाढ़ते हैं। समस्तीपुर से जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये देश विदेश में फैले और आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हर दिन हर एक नई शख्सियतें आएंगी, अपनी कहानियाँ सुनाएंगी और
व्हाट टू डू व्हाट नहीं करना चाहिए वो सब आपको सिखाएंगे। तो डूज और डोंट से भरे हुए, कैरियर से भरे हुए, सफलता असफलता से भरे हुए, संघर्ष और कामयाबी से भरे हुए इस कार्यक्रम को आप रोजाना देखें क्योंकि आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। अब हम बात करेंगे कि स्कोप क्या है और कैरियर क्या है मिथिला पेंटिंग की। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिंदगी के लिए मिथिला पेंटिंग ने कितना संघर्ष किया है। मिथिला पेंटिंग की शुरुआत जो है वो त्रेता युग में हुई थी, जब माता जानकी जी की शादी होने वाली थी श्री रामचंद्र जी से। तो राजा जनक जी ने आदेश दिया था लोगों को, सारे प्रदेशवासियों को, कि पूरे मिथिला को ना रंगों से सजा दिया जाए, खूबसूरत संस्कार कल्चर और ये सब जो है वो दीवारों से दिखाई देना चाहिए। और ऐसा ही हुआ, लोगों ने पूरे मिथिला को मधुबनी पेंटिंग से सजा दिया और जो बारात आई वो मिथिला का कल्चर देखती ही रह गई। और आज भी पूरी दुनिया, अब्रॉड इंडिया, पूरा नेशन मिथिला पेंटिंग के आगे मेस्मराइज्ड हो जाता है, वो खूबसूरती जो और कहीं नहीं है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा मिथिला पेंटिंग के बारे में कि हम जब छोटे होते हैं, या मैं तो अब इतना बड़ा हो गया हूँ, या बड़े भी हो जाते हैं, तो अपने माँ बाप के लिए, अपने चाहने वालों के लिए छोटे ही रहते हैं। वो चाहते हैं कि किसे हमें प्रोटेक्ट करके रखे हमेशा, और मिथिला पेंटिंग भी इसी तरह डबल प्रोटेक्शन में बनती है, डबल लाइन में बनने वाली यह पेंटिंग है, जिसे आप सुख दुख की दो लाइन कहें, जिसे आप सूर्य चांद की दो लाइन कहें, जिसे प्रकृति पुरुष की दो लाइन कहें, और इन्हीं दोनों लाइनों के बीच से जब उभर कर बनती है तस्वीर, तो वो तस्वीर पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाली बन जाती है। उन्हीं प्रकृति पुरुष की जो दो लाइन होती है उनको हम मिलाते हैं, और मुझे लगता है कि जिंदगी में सुख ही सुख है तो क्या सुख है, और दुख ही दुख है तो क्या दुख है, हर सुख और हर दुख जो है वो मिक्स हो जाता है, तो वो जीवन जो है महान बन जाता है। और कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने अपने दुख और सुख को मिक्स करके चलते हुए, हंसते हुए, गुनगुनाते हुए जीवन को काटा, और आज जो है वो दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन गई हैं। जैसे मिथिला पेंटिंग की पद्मश्री दुलारी देवी जी, 12 वर्ष की उम्र में शादी हुई और उसके बाद बच्ची हुई, अभावग्रस्त ससुराल और बहुत ही तकलीफों के बाद वो बच्ची गुजर गई। उसके बाद ससुराल और मायके के दुराहे पे आकर वो लड़की खड़ी हो गई। कई ऐसे काम उन्हें करने पड़े जो मैं अगर बताऊं तो रूह कांप जाता है। उन्होंने खेतों में काम किया, घास छिलने का काम किया, और जैसे मैंने पहले कहा था कि आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिसके साथ वो रहते हैं। उन्होंने बर्तन धोने का, झाड़ू पोछा का काम शुरू किया महासुंदरी देवी जी के घर में, और आने वाले समय में महासुंदरी देवी जी को पद्मश्री मिला, और उनके सानिध्य में मिथिला पेंटिंग सीखती हुई आज पद्मश्री दुलारी देवी जी भी लोगों को पथ प्रदर्शन करने में लगी हुई हैं। हजारों लोगों को मिथिला पेंटिंग सिखाया है और जीने की एक नई राह दी है। तो मिथिला पेंटिंग जो है वो दो लाइनों से बनती है, प्राकृतिक रंगों से। उड़हुल का फूल लिया तो कलर निकाल लिया हमने, जो स्याही दीपक की होती है उससे काला रंग निकाल लिया, बकरी के दूध को उसमें मिला के उसे कलर तैयार किया, अगर सिंदूर से हमने लाल रंग निकाल दिया, हल्दी से हमने पीला रंग निकाल लिया। तो इस तरह कई तरह से हमने रंग बनाए, और दो तरह से हमने मिथिला पेंटिंग को बनाते हैं, एक तो भित्ति चित्र होता है, एक भूमि चित्र होता है। भूमि चित्र होता है वो भी देखिए जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है, जन्म से लेकर मरण तक हमारे साथ रहता है। जब हम जन्म लेते हैं, जब छठी का त्यौहार मनाया जाता है, तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो अड़िपन दिए जाते हैं घर में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और हमारे मन को प्रसन्न करने के लिए, और जो जन्म लिया है उसके आने की खुशियाँ को दर्शाता है। लेकिन जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वहाँ भी एक मिथिला पेंटिंग बनाई जाती है, जो शुभ संस्कारों में मिथिला पेंटिंग बनाई जाती है, वो 3 उंगलियों से बनाई जाती है अरिपन, और उसे ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम दिया जाता है, और उस पर सिंदूर से टीका करके सौभाग्य और महालक्ष्मी का सूचक बनाया जाता है। लेकिन जो मृत्यु के समय बनती है अरिपन, तो हम उसको बाएं हाथ की उंगली से बनाते हैं, उस पर कोई सिंदूर का टीका नहीं किया जाता है, और हम देखते हैं कि कैसे शून्य से शुरू हुआ जीवन शून्य में जाकर के मिल जाता है। तो इस तरह जिंदगी को बहुत प्रभावित करती है मिथिला पेंटिंग, बहुत मोटिवेट करती है मिथिला पेंटिंग। हजारों लाखों कहानियां हैं जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, जिसने फर्श से लेकर के अर्श तक जाने का सफर तय किया है, और यही वजह है कि बहुत सारा स्कोप और बहुत सारा कैरियर जो है वो मिथिला पेंटिंग में दिखाई देता है। क्योंकि मिथिला पेंटिंग जो है, पहले तो मैंने कहा भित्ति चित्र और भूमि चित्र था। 1934 में एक बार भूकंप आता है, और उसका मुआयना करने के लिए
डब्ल्यू जी आर्चर जी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा। जब वो यहाँ आते हैं तो विध्वंस की जो लीला उन्होंने देखी उनका रूह कांप गया, लेकिन उन्हीं विध्वंस में उन्होंने दीवारों पे बनी हुई मिथिला पेंटिंग देखी जो जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी और उन्हें लगा कि ये तो मीरू और पिकासो के समकक्ष की मिथिला पेंटिंग है। वो एकदम झंझना गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने 200 से ज़्यादा तस्वीरें ली, एक आर्टिकल लिखा इसके ऊपर और तब जा करके जो मिथिला पेंटिंग थी वो पूरी दुनिया के सामने इतनी खूबसूरत कला आई जो समकालीन कलाकारों से ने भी जिसको अप्रिसिएट किया कि अरे वाह, मतलब ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग जो शिक्षित नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, जो अभावग्रस्त जीवन बिता रहे हैं और उन लोगों ने भी इतिहास रचा हुआ है इतनी खूबसूरत पेंटिंग बना के। उसके बाद 1960 के दशक में अकाल आया और अकाल आने पे तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र सर और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भास्कर कुलकर्णी जी को, उपेंद्र महारथी जी को, पुपुल जयकर जी को, सभी ऐसे तमाम लोगों को मधुबनी में जायजा लेने दिया कि किस तरह से ये पेंटिंग जो है वो आजीविका का साधन बनेंगी। और उन्होंने कुछ कलाकारों को पकड़ा, वो तस्वीरों के लिए कन्विंस किया कि वो दीवारों से आप पेपर पे, कपड़े पे और अन्य चीज़ों पे बनाइए। और आज वो, और उन्होंने उन पेंटिंग को फॉरेन भेजा और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फॉरेन में मिथिला पेंटिंग के इतने कदरदान हैं कि लाखों करोड़ों में मिथिला पेंटिंग्स बिका करती हैं। और एक तो सबसे रोचक बात है कि जापान से आए हुए हासेगावा जी इतने प्रभावित हुए थे मिथिला पेंटिंग से कि सबसे पहले मिथिला पेंटिंग का म्यूजियम जापान में खुला था। तो ये है मिथिला पेंटिंग का खूबसूरत स्वरूप, वो इतनी मोटिवेशनल है, इतनी अच्छी है, इतनी व्यापक स्तर पर चली गई है, इतना ग्लोबलाइज्ड हो गई है कि इसमें बहुत अच्छा सुनहरा कैरियर लोगों को दिखाई देता है, डिमांड बहुत ज़्यादा है अब्रॉड में। उसके बाद जो 7 पद्मश्री हैं, 7 पद्मश्री, मैं कहता हूँ कि कला के 7 बहनें हैं। सबसे पहला पद्मश्री मिला था जगदम्बा देवी जी को, फिर सीता देवी जी को, फिर गंगा देवी जी को, फिर महासुंदरी देवी जी को, फिर गोदावरी दत्त जी को, फिर बउआ देवी जी को और अभी मिला है पद्मश्री दुलारी दीदी जी को। बहुत ही आप जब इन पद्मश्री पाए हुए हस्तियों से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि यही नहीं, कई स्टेट अवार्डी, कई नेशनल अवार्डी, कई जो और भी कलाकार हैं, जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में मिथिला पेंटिंग कलाकार से अच्छा और कोई कलाकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में ये पेंटिंग घुल मिल गई है। हम सांसें भी लेते हैं तो मिथिला पेंटिंग में सांसें लेते हैं, हम जो सोचते हैं तो मिथिला पेंटिंग में सोचते हैं और हम जो बातें करते हैं तो वो भी बहुत कलरफुल, बहुत चटक रंगों से भरी हुई बातें करते हैं और हमने अपनी ज़िंदगी में भी उसे उतारा है। यही वजह है कि आपको कोई भी मिथिला पेंटिंग वाला आर्टिस्ट, चाहे वो कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, अनपढ़ से अनपढ़ क्यों ना हो, वो कभी डिप्रेशन में नहीं दिखाई देगा, वो कभी टेंशन में दिखाई नहीं देगा, वो ऑलवेज the people are happy, always वो लाइट एमिट करते हैं, पॉजिटिविटी एमिट करते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं मिथिला पेंटिंग के आर्टिस्ट और इससे जो लोग जुड़ जाते हैं वो ज़िंदगी में बहुत आगे कामयाब बनते हैं। हो सकता है आप इसमें कैरियर बनाएं या ना बनाएं, लेकिन एक सफल जीवन जीने के लिए मिथिला पेंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी गवर्नमेंट का भी फुल सपोर्ट मिल रहा है, अगर आप कैरियर या स्कोप जानना चाहेंगे मिथिला पेंटिंग के, तो गवर्नमेंट बहुत सारा जो है सुविधा दे रही है, जैसे स्टॉल की सुविधा दे रही है, जैसे आप आना जाना, लोडिंग फूडिंग, एवरीथिंग गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। उसके बाद कई सारे स्कीम्स भी हैं जो कलाकारों के लिए बने हुए हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट जो है ना वो बहुत इंक्रीज हो गया है और सबसे बड़ी बात है ना कि कोई भी सामान आपका फॉरेन भेजना बहुत आसान हो गया है। सब एक खुशी की बात पे तो मैं ये बताऊं कि समस्तीपुर का जो पोस्ट ऑफिस है आप वहाँ से भी फॉरेन सामान भेज सकते हैं। यानी देखिए कलाकारों का जीवन कितना सुगम होता चला जा रहा है, तो एक्सपोर्ट ईजी हो गया है। आप अगर व्यापार शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। रूरल इकोनॉमी का बैकबोन बनता जा रहा है हैंडीक्राफ्ट, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इजी एक्सपोर्ट है, इजी इंपोर्ट है
और रॉ मटेरियल इजीली मिल जाते हैं। मींस की जो भी हैंडीक्राफ्ट है, मैं सिक्की आर्ट का कहूँ तो आपको खेतों में ऐसे फ्री मिल जाएंगे। अभी तो वो भी कॉमर्शियलाइज्ड हो गया, लेकिन वो दैट वाज टोटली फ्री। जो रंगों की बात मैंने की, हम नेचर से ही ले रहे थे। जो पिहुआ ब्रश का इस्तेमाल अभी होने लगा, पहले मिथिला पेंटिंग पिहुआ से बनता था, जो बांस के कंडे में रुई लगा करके उसके बाद उसको बनाया जाता था। तो ये सब तो इन्वेस्टमेंट इसमें है ही नहीं, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि अभी कोई भी चीज है वो इन्वायरमेंट को कितना हार्म पहुंचा रहा है ये हम देख रहे हैं। तो ये मिथिला पेंटिंग जो है ना, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और यूनिक प्रोडक्ट बनाता है, क्योंकि जो आप बना सकते हैं उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता है, जो आप सोच सकते हैं उसे कोई और नहीं सोच सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कॉपीराइट क्लेम करने का टेंशन नहीं है, क्योंकि जहां तक हमारी सोच जाएगी वहां किसी और की सोच जा ही नहीं सकती। इस सोच के साथ अगर आप इसमें कैरियर बनाते हैं तो ये कैरियर सिर्फ आपके लिए है। आप आइए, आपका स्वागत है। उसके बाद लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसा मैंने कहा था कि पहले जो थी वो पेंटिंग नेचर से ली जाती थी, आजकल एक्रेलिक कलर्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन वो इतने महंगे नहीं है कि 1000-2000 से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस सब को शुरुआत करने का। और सबसे एक बड़ा बूम आया हमारे समाज में कि सब कुछ जो है ना वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में चला गया, डीपी में चला गया। हम व्हाट्सएप में अपना डीपी चेंज करते रहते हैं, स्टेटस लगाते रहते हैं, उसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ने लगेंगे तो स्टेटस अपने आप उठना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो ई कॉमर्स सेक्टर है वो बहुत ईजी है, आपको बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए कि मुझे सेटअप लगाने हैं, मुझे 500 असिस्टेंट रखने हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, बहुत सारा फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं रखना है। आप ऑनलाइन किसी पोर्टल से जुड़ जाइए या अपना सोशल मीडिया अकाउंट यूज कीजिए। मैं मेरे बारे में बता दूं कि मेरी जो ज़्यादातर पेंटिंग्स वायरल हुई या मुझे जो ऑर्डर आते हैं, मोस्ट ऑफ ऑर्डर मुझे सोशल मीडिया से ही आता है। एक पेंटिंग जो इंटरनेशनली वायरल हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के एक न्यूज़लेटर में भी आया था, दिल्ली बिहार भवन से पब्लिश हुआ था, वो पेंटिंग भी सोशल मीडिया से ही वायरल होकर के और पूरा इंटरनेशनल वायरल हो गई थी। आने वाले समय में अमेरिका से आरोन सिनिफ्ट जी ने उसका A4 साइज मुझसे $100 में खरीदा था। तो ये चीज होता है कि आप सोशल मीडिया में सिर्फ लोगों को इमोजी भेजने के लिए, खुश करने के लिए नहीं यूज करते हैं, आप उसको यूज करते हैं अपने कैरियर को बनाने के लिए। मैं तो ये कहता हूं कि आप किसी भी फील्ड में कैरियर बना सकते हैं, बशर्ते आप किसी की देखा देखी नहीं कर रहे, वो कैरियर आपके दिल से आ रहा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अब विराम भी लूंगा, लेकिन आपको एक टिप्स देकर के जाता हूं कि मैंने तो जो टॉपिक लिया था वो जीवन और आजीविका के लिए मिथिला पेंटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना चाह रहा था मैं, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाना चाहते हो तो आप पेपर लेंगे, उसको फोल्ड करके दो टुकड़े करेंगे और उसके बाद एक में उसके पॉजिटिव पॉइंट्स लिखेंगे, एक में निगेटिव पॉइंट्स लिखेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि आप दिल और दिमाग से उस कैरियर को ऑफ करना चाहते हैं। कि लोगों ने हंसना शुरू कर दिया कि कुंदन कुमार ने MBA करने के बाद वो स्कूल कॉलेज में मोटिवेशन की क्लासेस लेता, कुंदन वो जाके मिथिला पेंटिंग करता, मैं तो बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, मैंने ये नहीं देखा कि मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने ये देखा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो जब आप ये देखना शुरू कर देते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं और वो यहाँ से आने लगता है, यहाँ से कमाने लगते हैं, तो कोई भी काम बुरा नहीं है अगर आप नैतिक मूल्यों के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं अपने वाणी को विराम भी दूंगा और आप लोगों को मैं एक बार फिर से आप लोगों को धन्यवाद कहूंगा। जो लोग भी जुड़े रहे, बहुत बहुत आभार कि आपने अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे दिया, और जिला प्रशासन को मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि युवाओं को मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि समस्तीपुर के ही नहीं पूरी दुनिया के युवा में बहुत शक्ति होती है, वो वायु का उल्टा युवा होता है। जितना वेग से वायु नहीं चलती है उतनी तेजी से युवा चल सकता है अगर उसको सही मार्गदर्शन दिया जाए। तो मुझे जो भी लगा मैंने आपको बताया और मैं फिर से सभी को धन्यवाद करता हूँ, और आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ख्वाहिशों से गिरते नहीं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। नमस्कार।